चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक सो अपने पास कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें ए बी इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए के सी वन है, बी सी इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए के सी थ्री है, सी डी इक्विलिब्रियम में है, के सी फाइव है। बोलता है ए डी के लिए क्या होगा, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया इनको कुछ नहीं करना है, रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन टू प्लस रिएक्शन थ्री कर दे, बात खत्म। ठीक है, तो जैसे हम ये काम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ए गिविंग डी। ठीक है, और जैसे अपने पास ये आ गया ए गिविंग डी, तो हमें पता है कि अगर रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं मतलब उसका केसी मल्टीप्लाई होने वाला है, केसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 3 × 5 दैट विल बी 15, खत्म खेल, डन है क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, चलो यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इसको। गुड आफ्टरनून सर। माइक ऑफ है। सर आप आपका म्यूट माइक हो। ऑफ है। आप म्यूट हो। तो कह रहा है अपने पास कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्राफ, यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड है ये किन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस ग्राफ में। चलो चेक करते हैं। सो हमें दिख रहा है कि एक्स का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, वाई का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, जेड घट रहा है। मतलब ये बात तो हम देख के बहुत क्लियर क्लियर कह सकते हैं कि जेड पक्का से पक्का रिएक्टेंट साइड रहा होगा, वाई और एक्स जो है ये प्रोडक्ट साइड रहा होगा। दूसरी बात है कि वाई और एक्स में एक बात और भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, वाई कम अमाउंट में बन रहा है, मतलब इनका स्टोसोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसमें एक्स का स्टोसोमेट्री हाई होगा, वाई का लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि अपने पास जो एक्स पॉसिबल है दैट कैन बी एनओ, y पॉसिबल है दैट कैन बी ओ टू, और जो अपने पास z पॉसिबल है दैट इज रिएक्टेंट, वो अपने पास हो सकता है एनओ टू। इसको देख के हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, भैया अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चूंकि x बोला अपने पास दैट इज x इज एनओ, तो पॉसिबिलिटी अपने पास है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एनओ, ओ टू जो है दैट इज y, एंड अपने पास z इज एनओ टू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। चलेगा क्या? यस देख लो, अगर लग रहा हो कि जादू हो गया तो पूछ लेना, और मैं आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ बिकॉज कल आपके एग्जाम है, उसमें इक्विलिब्रियम आने वाला है। ठीक है, तो अगले क्लास में अपन ट्राई करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें। स्टिल अगर बिल्कुल ही अपने पास सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो जाएंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है इन सबको अरेंज कीजिए टेंडेंसी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डोमिनेटिंग रिएक्शन। अब आपको चेक करना है और बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डोमिनेटिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। हमने रेंज पढ़ा था और हमने ये भी समझा था कि फॉरवर्ड डोमिनेटिंग होने के लिए क्या कहानी होनी चाहिए। फटाफट से देखो और अरेंज करो।
आज सिर्फ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये हो जाएगा तो अपन पीवाई क्यूज करेंगे। हो गया सॉल्व। चलो ठीक है, तो अपने पास क्या क्या रहा है देख लेते, चेक करते हैं। फॉरवर्ड डोमिनेटिंग कहानी क्या होगी, जिसमें के की वैल्यू सबसे अधिक, अधिकतर लोग बोल रहे हैं सी, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है चलो, तो हमें दिख रहा है इसमें के की वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे डोमिनेट होगा, फिर उसके बाद अपने को दिख रहा है इस ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर इसके बाद अपने पास 782 है, फिर अपने पास 4.610 का पावर -3 एंड देन दिस वन। चलेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, हवा में सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके क्या निशा, क्या है सब सारे हो रहा है, लोग देखते क्या होगा, एक पता नहीं चल रहा क्या होगा। एक्चुअली कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल इशू है, पता नहीं चल मेरे को भी क्या हो रहा है, आई गेस हैंग कर रहा है या क्या हो रहा है, यानी सर सही आ रही है आपकी वॉइस तो। तब फिर तुम लोग स्लो है जिन लोग बोल रहे हैं और क्या। ठीक है चलो, सो अपने पास बोलता क्या है कि यहाँ पे एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसो ब्यूटेन और एन ब्यूटेन का जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, ये आपके पास दिया हुआ है कि की वाली लाइन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। ठीक है, अब पी पॉइंट के बारे में चर्चा है कि पी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। ठीक है चलो, अभी ध्यान देते, बोलता है के की वैल्यू जो है 1.732 होगी, तुम ध्यान दो यहाँ पे तो के की वैल्यू होगी क्या, तो अगर तुम ध्यान दो दिस इज वाई दिस इज एक्स, अगर मैं ऐसे मान लू ये वाई है और ये एक्स है, तो अपने को पता है कि टेन थीटा जो यहाँ पे होने वाला है, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं इस पी पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू होगी और जो एक्स की वैल्यू होगी उसका रेशियो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन। और अगर तुम ध्यान दो तो ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो इस चीज को ध्यान दो तो दिस इज नथिंग मोर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू के। तो बेसिकली इस केस में क्या है, टेन थीटा जो है वो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, दैट इज इक्वल्स टू के। अब क्या कहता है, एट द सेम टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द पॉइंट पी इन द फिगर, बताइए कि पी के बारे में क्या कहानी है। अब कहता है द एवर मिक्सचर विल ऑलरेडी बी The above mixture will already be at the above mentioned equilibrium. नहीं, ये exact equilibrium पे ही है। बोलता है कि the above reaction will go in the forward direction till it attains equilibrium. The above reaction will go in backward direction till it attains equilibrium. अब चलो सोचने का प्रयास करते हैं, क्या हम यहाँ पे 1075 की वैल्यू निकाल सकते हैं,
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है अपने पास 1.732। अगर आपके पास ये टेन सेवेंटी फाइव जो ये पी वाला पॉइंट है, अगर ये टेन सेवेंटी फाइव मान लो, देखो इधर ध्यान दो, देख लेते हैं ना, टेन सेवेंटी फाइव, टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे फटाफट से कितनी आ रही है। देखो तो मुझे फटाफट से एक बार कैलकुलेटर का यूज करो और मुझे बताओ कि 1075 1.73 से बड़ा आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास 10, हाँ मान लो 1.73 से बड़ा आ रहा है, 1.73 से बड़ा आ रहा है अगर ये 1075, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है इससे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी इक्विलिब्रियम की फिर नहीं है, फिर यहाँ पे कहानी क्यू वाली आ गई। और हमें दिख रहा है कि अगर क्यू की वैल्यू के से बड़ी है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर क्यू की वैल्यू के से बड़ी है, इसका मतलब कि आपके पास आइसो ब्यूटेन है वो ज्यादा है ब्यूटेन से, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, चलेगा क्या? यस नहीं, आई थॉट कि 1075 इज 1.732, ठीक है, सर, मुझे लगा एग्जैक्ट बराबर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर नहीं, अगर उससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्यू जो है वो आपके पास के से बड़ा हो गया। अच्छा क्वेश्चन, ये डन है। बड़े आ गए, चलो नेक्स्ट। कोई ऐसा है इसको जादू हो गया तो फटाफट से पूछ लो, अपन वापस से बात कर लेंगे, अगर ऐसा है समझ में नहीं आया तो। चलिए ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए सारे लोग। सर आप म्यूट हो। बेटा आपको नहीं बोल रहा था मैं, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हमें इस रिएक्शन को देख अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो बोलता है भैया बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, चलो चेक करते हैं फटाफट से। तो अगर हम देखें तो हम इन दोनों को मिला के हम चाहें तो ये इस वाले रिएक्शन को बना सकते हैं, कैसे भी चेक कर सकते हो, किसी भी दो को मिला के तुम तीसरा बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अगर मान लो मुझे ये वाला रिएक्शन बनाना होता तो मैं क्या कर रहा होता, सो मैं कर ये रहा होता कि इस ऊपर वाले रिएक्शन को और इस नीचे वाले रिएक्शन को ऐड कर देता, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता, जैसे इन दोनों को ऐड करता तो मेरे पास सीओ ऐड हो जाता, CH4 नीचे रह जाता, CO चूंकि ऐड हो रहा होता है यहाँ पे और यहाँ पे भी CO है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, H2H2 ऐड होकर 2H2 हो जाता और आपके पास H2 और 3H2 ऐड होकर 4H2 हो जाता। मतलब ये समझ में आ रहा है कि थर्ड रिएक्शन इज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड का सम है इसका मतलब K3 जो होगा K1 और K2 का प्रोडक्ट होगा, दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, चलेगा। चलो
अभी पीवाईक्यूज करने वाले हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको ट्राई। 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है। बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, SO3 गिविंग SO2 प्लस हाफ O2, केसी दिया हुआ है, बताइए नेक्स्ट वाले रिएक्शन का केसी क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सोच के देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। थोड़ा अच्छे वाले भी करेंगे जिसमें लगे कि थोड़ा दिमाग पर जोर पड़ रहा है, ठीक है। बाकी देखो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हो जाएगा ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सीधे सीधे बड़ा क्लियर कट सा दिख रहा है कि यहाँ SO2 की जो कहानी वो ऐसे है कि भैया यहाँ पे आपके पास 1 था, यहाँ पे आपके पास 2 हो गया। मतलब पूरे इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी SO2 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ में रिवर्स भी किया है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ SO3 इस साइड है, यहाँ पे SO3 इस साइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई साथ में रिवर्स, बेसिकली -2 किया है। तो भैया यहाँ पे जो आपके पास ये केसी है इसका पावर लगा देना है -2। सॉल्व हो जाएगा क्या ये बता दो, कोई ऐसा इसको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा यस सर, हो गया है। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, कैसा आंसर इसका आ जाएगा 4.9 इंटू 10^-2 होल टू द पावर -2। अब सॉल्व कर लोगे, बेसिकली दिस विल बी 1/4.9 इंटू 10^-2 का स्क्वायर। हो जाएगा ये। अब यहाँ से सॉल्व करके ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई गेस ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, बी मैच कर रहा है क्या? अच्छा ए मैच कर, देख लेना ए और बी में से कोई तो एक मैच कर जाएगा, जो मैच करना हो कर जाएगा। सर पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी ना, तो बी तो नहीं हो सकता। ये आपके पास है, ये नीचे है, ऊपर चला जाएगा, -4 हो जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, 4.9 +4 25, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 10^4/25 के रेंज में समथिंग आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताइए कि अगर आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ है जहां Fe2O3 3CO के साथ रिएक्ट करके 2Fe और 3CO2 बना रहा है, ली चैटले प्रिंसिपल लगाना है, बताइए इनमें से कौन सा जो केस है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप कुछ भी आप इनमें से कौन सा काम कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा। आराम से चेक कीजिए और बताइए कौन से केस से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो बढ़िया, अब सारे पीवाईक्यू कराने वाला हूं, ठीक है। देखो सो अपने पास ये कहानी है, दिख रहा है बहुत क्लियर कट कि भैया सीओ को करोगे तो फर्क पड़ेगा, CO2 करोगे पड़ेगा, एफ को करोगे तो नहीं पड़ेगा क्योंकि लिक्विड है, Fe2O3 को कुछ भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है, और हम पता है हमें कि सॉलिड और लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन हम 1 या फिर अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू दे दिया तो वो मानते हैं, नहीं दिया तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो आप Fe2O3 को बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डन है क्या? फटाफट से मुझे मैसेज बताओ डन है ये? यस सर। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे 5 लीटर का वेसल है, 2 मोल्स उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, 3 मोल्स क्लोरीन था, अलाउ किया गया है रिएक्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, COCl2 बन गया है, COCl2 इज विच गैस? आगे बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे अगर 1 मोल CO प्रेजेंट है तो बताइए केसी की वैल्यू क्या रही होगी। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई कीजिए, और एक इसके बाद मैं अच्छा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको लगेगा कि थोड़ा घुटने पर जोर पड़ रहा है।
जस्ट अब हो गया सॉल्व। चलिए तो आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 5 लीटर है, 2 मोल्स है, 2/5 रहा होगा, ठीक है, एंड 3/5 ये रहा होगा। बोलता है रिएक्ट किया इक्विलिब्रियम पे, 1 मोल सीओ बचा, ये 1 मोल बचा, मतलब ये कितना कंज्यूम हो चुका अपने पास, 1 मोल सीओ बचा, इसका मतलब 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो ये 1 बना होगा, ये आपके पास 3 में से 1 कंज्यूम होगा, होगा 2 बचा होगा, ये 1 बचा होगा, सबको डिवाइड बाई 5 कर लिए, सबका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, कैसे लिख लेंगे, हो जाएगा क्या ये? कोई ऐसा जिसको लग रहा है सॉल्व नहीं होगा, या मैं सॉल्व कर दूं? कोई ऐसा इसको लगता है कि मैं सॉल्व कर दूं? मुझे आंसर चाहिए, यस फटाफट से आंसर भेजो तो बाकी लोग, और नहीं भेजोगे तो फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, और क्या। और 1/5 / 2/5 into 1/5, तो आपके पास आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, 5 मिनट आराम से टाइम लो, सॉल्व करने का प्रयास करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करो, टाइम लो 5 मिनट आराम से ट्राई करो, एक छोटा सा काम है मैं करके आता हूँ।
या सॉरी, थोड़ा सा कुछ काम था। हुआ क्या सॉल्व? कुछ लोगों ने आंसर भेजा, जस्ट मिनट में देखता हूँ। हाँ देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आई गेस अधिकतर लोगों ने जो आंसर भेजा मुझे लगता है गड़बड़ ही है, अभी जो भी आंसर आया उसमें। करो फटाफट से। ओके लकी, देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और 2 मिनट टाइम लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अभी तक अधिकतर लोगों के आंसर गलत आए हैं, बस एक आंसर सही आया है। मैं 1 मिनट आ गया, एक इम्पोर्टेंट काम है, बस 1 मिनट आ रहा। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जस्ट अ मिनट, मैं आ गया। चलिए ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है चलो, थोड़ा सा दिन के टाइम में कुछ 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 काम आते रहते हैं। ठीक है, अपने पास कहता है कि एक रिएक्शन है, एक्स गिविंग वाई, जेड गिविंग पी प्लस क्यू, 2y था, पी प्लस क्यू है। बोलता है कि रेशियो दोनों का, केपी वन और केपी टू का रेशियो 1:9 है। बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स का और जेड का जो है वो इक्वल है, बताइए रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर कितना रहा होगा। चलो तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है, अगर मान लेता हूं मैं ये रिएक्शन एक्स गिविंग वाई अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए उसमें दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जेड गिविंग पी प्लस क्यू। ठीक है, अब कहता है मान लेते अपन इनिशियल प्रेशर की इसका इनिशियल प्रेशर रहा होता पी नॉट, ऐसे मान लो पी नॉट। हुआ क्या होता है रिएक्शन होने के बाद, ये कहानी ऐसी हुई होती कि पी नॉट में से 1 माइनस अल्फा गया होता और ये आपके पास बना होता प्रोडक्ट में 2 पी नॉट अल्फा। कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है तो मुझे बता दो कि ये चीज समझ नहीं आई। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो इस पर बात करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपने को आता है, आयनिक में पढ़ेंगे पर स्टिल थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है। ठीक है चलो सेकेंड केस पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल प्रेशर रहा होता ये रहा होता पीएम। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन पीएम 1 माइनस अल्फा ये हुआ होता पीएम अल्फा और ये भी हुआ होता पीएम अल्फा, कहने क्या
चलेगा? चल, अब कहता क्या है कि इसके के की वैल्यू, मतलब इसके लिए मैं अगर के लिखूं, दैट इज के वन, के वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर टू, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन, लेकिन अब केपी है तो प्रेशर में लिख लेंगे, तो इसका के वन हो जाएगा 2p0 अल्फा टू द पावर टू डिवाइडेड बाई p0 1 माइनस अल्फा, और इसके लिए हो जाता के टू बराबर pm अल्फा इंटू, जिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है दिस इंटू दिस, तो हम डायरेक्टली इसको चाहे तो लिख सकते हैं ना, pm² अल्फा² डिवाइड बाई pm × 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर पार्शियल प्रेशर नहीं लेंगे? सर पार्शियल प्रेशर ही तो लिया है, टोटल प्रेशर कहाँ लिया है? ये क्या है pm × pm अल्फा? क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ पी? क्यू क्या है pm × अल्फा? पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू pm × 1 माइनस अल्फा। ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड? अलग कहाँ लिया, पार्शियल प्रेशर ही तो लिया है। डन है क्या? सर मैंने इसके टोटल मोल से इसको डिवाइड करा जो था, फिर इनटू में पीटी करा था। कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पार्शियल प्रेशर, मैं तो सारा सारा प्रेशर में ही लेकर चल रहा हूँ, मैं तो मोल्स ले ही कि नहीं आ रहा, मैं तो मान के चल रहा हूँ सारी कहानी प्रेशर में, क्योंकि फाइनल रेशियो भी तो आपको प्रेशर का ही पूछा है ना। यस सर। डन है क्या? यहाँ यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? एक बार देख लो अच्छे से, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है? चलो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, थोड़ा घुटने पे जोर पड़ सकता है। अब आगे क्या कहता है? बोलता है कि के वन और के टू का जो रेशियो है ये 1:9 है। चलो तो के वन अपॉन के टू इक्वल्स टू 2p0 अल्फा का स्क्वायर, 2p0 अल्फा का स्क्वायर अपॉन p0 1 माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई pm² अल्फा² डिवाइड बाई pm 1 माइनस अल्फा। अब यहां से कुछ चीजें जो मुझे दिख रही है कैंसिल आउट होते हुए, क्या दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ का अल्फा स्क्वायर और यहाँ का अल्फा स्क्वायर चला जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा चला जाएगा, और इसका p0 स्क्वायर और ये p0 चला जाएगा, और इसका pm² और इसका pm चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो ध्यान से देखो, ये बचेगा 4p0 अपॉन 2 टू द पावर 4, तो 4p0 अपॉन pm। एक बार देख लो, अगर ये समझ नहीं आया तो पूछ लो कि यहां तक समझ नहीं आया, कोई चीज कैसे कैंसिल हुआ, अपन बात कर लेंगे। डन है? अब सर अपने को पीएम क्या भी तो कहा है, 4 हो, फिर से बोलो। पीएम भी सर 4 होगा ना। क्यों 4 होगा यहाँ पे? कहाँ 2 का पावर समथिंग है, ये तो नहीं है यहाँ पे, ये तो pm अल्फा था, pm अच्छा अल्फा था, ओके बात सर। खत्म, तो 4 क्यों बचेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? बोलता है कि एक्स और जेड का रेशियो टोटल प्रेशर का बताओ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर का रेशियो। चलो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना है? तो ये आपके पास p0 1 माइनस अल्फा, 2p0 अल्फा, तो दिस इज बेसिकली p0 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास सबको जोड़ दो, सारे पार्शियल प्रेशर को, तो ये हो जाएगा pm 1 प्लस अल्फा। तो बेसिकली इसका और इसका रेशियो बोला है। अब तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का रेशियो जब तुम लोगे k1 बाई k2 करोगे, तो बेसिकली 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा खत्म हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये p0 अपॉन pm का ही रेशियो चाहिए अपने को, और p0 अपॉन pm का हमको पता है कि p0 अपॉन pm × 4 बराबर k1 बाई k2 है। ठीक है, सो यहां से हम बोल सकते हैं कि k1 बाई k2 × 4 इक्वल्स टू p1 बाई p2, और इसकी वैल्यू अपने को पता है। फिर सर से बोलो। अभी आपने जो लिखा ना ऊपर व्हाइट वाला, वो समझा नहीं मुझे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस से, देखो हमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का रेशियो चाहिए इन दोनों केसेस का। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है, तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना है, दिस प्लस दिस, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट टोटल प्रेशर, p0 1 माइनस अल्फा प्लस 2p0 अल्फा। इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो ये आ जाएगा p0 1 प्लस अल्फा। इसमें देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा p0 सॉरी pm
वन प्लस अल्फा कहता है कि आप इक्विलिब्रियम पे जो दोनों का प्रेशर है इसका रेशियो लीजिए और बताइए कितना आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का रेशियो हम लेते हैं, सो पी नॉट वन प्लस अल्फा डिवाइड बाय पी एम वन प्लस अल्फा इसका रेशियो, ये कट गया। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर का रेशियो है दैट इज नथिंग अदर देन पी नॉट अपॉन पी एम, और पी नॉट अपॉन पी एम तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। तो पी नॉट अपॉन पी एम का हमको पता है दैट इज फोर के साथ मल्टीप्लाई करके के वन बाई के टू था, तो पी नॉट पी वन अपॉन पी टू क्या हो जाएगा, या पी नॉट अपॉन पी एम क्या हो जाएगा, के वन अपॉन के टू मल्टीप्लाइड बाई फोर, के वन बाई के टू अपने पास वन बाई नाइन है मल्टीप्लाइड बाई फोर दैट इज वन बाई 36। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन का पूछा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास कीजिएगा, घर पे प्रयास कीजिएगा, नहीं हो तो अगले क्लास में आप उससे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर ऐसा है कि कोई चीज बीच में इसमें समझ नहीं आई, थोड़ा सा कोई चीज जादू हो गया तो अभी पूछ लो, पूरा ही नहीं समझ में आया तो लास्ट में पूछ लेना या फिर अगले क्लास में पूछ लेना एक बार खुद से ट्राई करने के बाद, कहने क्या। चलो इसी पे बेस्ड एक और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा जिसमें आपको दिमाग पर जोर पड़ेगा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ट्राई करो। बट पिछला वाला क्वेश्चन वाज टू गुड, ये ओके ओके, उतना भी अच्छा नहीं है बट ओके ओके, मेहनत लेकिन इसमें भी आपको करनी पड़ेगी, हवा में सॉल्व नहीं होगा, तुरंत में चाहें कि हवा में बात कर ले तो नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन की कोई ट्राई करो सॉल्व करने का, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। निकिता आंसर चेक करना पड़ेगा बेटा, ध्यान नहीं है मेरे को, आंसर याद नहीं है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो कहता है आपके पास पीसीएल फाइव है, डिसोसिएट हो रहा है, पीसीएल थ्री बन रहा है और सीएल टू बन रहा है,
मैं मान लेता हूं कि इसका इनिशियल प्रेशर रहा होता पी नॉट, डिसोसिएट होता पी नॉट, वन मास अल्फा जाता, ये होता पी नॉट अल्फा, ये होता पी नॉट अल्फा। टोटल प्रेशर मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसमें टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे पी है, यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी, मतलब इन सबका जो सम है दैट इज पी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बोलता है कि बताइए यहाँ पे अगर आपको केपी लिखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है पीसीएल फाइव पीसीएल थ्री का अगर एक्स है, आपको बोल दिया एक्स है, तो बताइए पार्शियल प्रेशर पीसीएल थ्री का कितना होगा। ठीक है चलो, तो बेसिकली अल्फा नहीं लेके एक्स लिया है, बोलता है पार्शियल प्रेशर पीसीएल थ्री का कितना होगा। चलो इन सबको जोड़ लेते हैं, इतना मेहनत भी नहीं करना आपने, एक्चुअली सच पूछो तो। सो बेसिकली दिस इज पी नॉट वन माइनस एक्स पी नॉट एक्स, पी नॉट एक्स इक्वल्स टू पी, इन तीनों को सम कर दिया। सो बेसिकली आपके पास आ गया पी नॉट वन प्लस एक्स इक्वल्स टू पी, तो यहां से पी नॉट बराबर आ गया पी अपॉन वन प्लस एक्स। अब हमें पता है कि भैया इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो पी नॉट एक्स के बराबर है, हम पी नॉट की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज पी वन प्लस एक्स इंटू एक्स, तो पी वन प्लस एक्स इंटू एक्स दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। डन है क्या? देख लो एक बार अच्छे से, समझ नहीं आए तो पूछ लो, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, जिसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, हवा में सॉल्व नहीं होंगे। दो मिनट आपको, दोबारा बता, दोबारा बता। चलो देखो, मैंने माना पीसीएल फाइव का इनिशियल प्रेशर जो है वो पी नॉट था, डिसोसिएट किया पी नॉट वन माइनस अल्फा हुआ, ये पी नॉट अल्फा हुआ, पी नॉट अल्फा हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा माना। अब हमें पता है क्वेश्चन में बोला है कि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे पी है, तो इसका मतलब इन सबका सम जो है वो पी के बराबर है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसने कहा है कि एक्स के टर्म में लेना है, क्योंकि यहाँ बोला है कि पीसीएल फाइव का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, तो मैंने अल्फा की जगह एक्स पुट कर लिया। ठीक है, सारे जगह एक्स पुट कर लिया और तीनों का सम पी के बराबर आ गया, तो इन तीनों का जब सम कर रहे हैं तो पी नॉट वन माइनस एक्स, पी नॉट एक्स और पी नॉट एक्स, तो ये आ जा रहा है पी नॉट वन प्लस एक्स बराबर पी आ रहा है, तो यहाँ से पी नॉट बराबर कितना आ जा रहा है पी अपॉन वन प्लस एक्स। मैंने पी नॉट एक्स, पी नॉट एक्स कैसे आ रहा है पी नॉट वन प्लस एक्स? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े थे, याद करो बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये सी होता है, ये सी में से वन मास अल्फा जाता है, तो ये सी अल्फा बनता है और ये सी अल्फा बनता है, तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर ले रहे हैं तो सी है, प्रेशर ले रहे हैं तो उसकी जगह पी हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा उसके अलावा, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है देख लीजिए, बाकी और किसी जनता कोई दुख है? देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा डिटेल्स में आयनिक में आएगा, बट अब चूंकि क्वेश्चंस हैं तो थोड़े बहुत तो पढ़ने पड़ेंगे, उस समय मैं बात करूंगा उसी समय आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत आ रहे हैं तो थोड़ा तो एफर्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे, आपने 11th 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस चीज को। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, वो दो अच्छे क्वेश्चन थे, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। सर ए लो टेम्परेचर, सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है, एक बार ना लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। चलो आ गया सर, आ गया। ठीक है तो आप ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है
कि डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब कहता है बताइए कौन सा अपने पास है, कौन सा कंडीशन है जिसमें रिएक्शन को फेवर करेगा, मतलब फॉरवर्ड करेगा रिएक्शन को। चेक करना शुरू करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अपने पास। अब हम चेक करना शुरू करें तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम हीट निकालें तो वो अपने पास फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर मोटे मोटे तौर पे, तो अपने पास लो टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर तो यहाँ पे भी है। अब प्रेशर चेक करते हैं, सो हमें पता है कि अगर आपके पास प्रेशर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है? प्रोडक्ट साइड में। तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, मतलब आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। ध्यान से देखो ना, तो बस तुमको थियरीज याद है तो इक्वेशंस हो जाएंगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर थियरी याद है फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ PYQ करा रहा हूँ आज, JEE मेन के। तो इसको ट्राई करो, देखो तो फटाफट से, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, LKG UKG का। बढ़िया, अधिकतर जनता सॉल्व कर चुकी है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चन पे, JEE एडवांस के क्वेश्चन। सो 2000 में एडवांस से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, बड़ा भारी सा क्वेश्चन है, मुझे देख के बताना ये कितना भारी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पिछला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, इधर वन मोल है, ये वन है, ये वन है, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू इज भी माइनस वन, आर टू टू द पावर माइनस वन, ये हो जाएगा केपी बाई केसी, यहाँ केपी बाई केसी आपको पूछा हुआ था, दैट इज आर टू टू द पावर माइनस वन, इसका मतलब हो गया वन अपॉन आर टी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये एडवांस का पूछा हुआ है 2000 का, चेक करके बता दो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। नहीं सॉल्व नहीं होगा क्या? सॉल्व ही करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व होगा नहीं होगा छोड़ो, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन वैसे कराया था मैंने, फिर भी ट्राई करो एक बार, आगे फिर से एक बार ट्राई करो। चलो हो गया, बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार पहले से भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। चलो 2008 का एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, तो काफी भारी सा क्वेश्चन लग रहा है। और मुझे बता देना अगर लगे कि जादू हो जाएगा तो। सर एक गैस के बाद 2 क्यों लिखा है, N2O4 गैस 2? एक्चुअली एरर है, ठीक है उसको इग्नोर कर। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलता है वॉल्यूम को आधा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देख के फील नहीं होना चाहिए कि एडवांस का क्वेश्चन है ये। चलो बढ़िया, तो अधिकतर जनता आंसर दे चुकी है,
पिछला वाला आंसर ही तो नहीं है। एक बार वापस से भेजो तो मुझे आंसर सारे लोग। सारे लोग आंसर, ये N2O4 है, इस टू से तुमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत गलत कर रहे हो बहुत। एक बात बताओ कि अगर तुमने वेसल को हाफ कर दिया तो रिएक्शन मूव करेगा नहीं करेगा, पहले तो ये मुझे बताओ। वॉल्यूम आधा होगा तो ये बताओ कि रिएक्शन में कोई डायरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड भागेगा कि नहीं भागेगा, मुझे ये बताओ। आएगा सर, आएगा क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। अब तुम मुझे बताओ कि मोल्स दो तरफ तो सेम नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो अल्फा सेम कैसे रह सकता है? अल्फा बदलेगा ही बदलेगा, चाहे वो घटे बढ़े, वो बात की बात, उस पर नहीं जा रहे हैं। अल्फा तो बढ़ेगा, अल्फा तो चेंज होगा ही होगा। और केपी तो किसी जिंदगी में चेंज नहीं होता है, तुमको सीधे नहीं दिख रहा ऑप्शन क्या होगा सर? बी, बी, केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज, ऑप्शन नंबर डी। क्या कर रहे हो, एडवांस का क्वेश्चन देखे, ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ी करोगे? फर्जी क्वेश्चन था यार ये, क्वेश्चन में गड़बड़ी थोड़ी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। अब तो सारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए, मेन के सारे लगभग क्वेश्चंस मैंने करा दिए, एडवांस के भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करा ही दिए, बाकी एक आध क्वेश्चन और भी हैं, वो थोड़े से कुछ ज्यादा उठपटांग से, तो उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। एडवांस वाले, मेन वाले तो लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं। सर वॉल्यूम के चेंज होने से केपी पे चेंज नहीं होगा? केपी इज अ रिएक्शन का कांस्टेंट वैल्यू है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, याद करो तो हम स्टार्ट में बताया था, वो सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर बदलेगा तो ही के बदलेगा, उसके अलावा वो नहीं बदलेगा। Yes, sir. A is a constant quantity for any reaction. मेरे घर वो reaction same temperature पे हो या आपके घर हो, आपके घर concentration अलग होगा, मेरे घर अलग होगा, pressure आपके यहाँ अलग होगा, मेरे यहाँ अलग होगा, लेकिन दोनों के लिए K same होगा, ठीक है? चलो एक और question दे रहा हूँ इसी तरह का, थोड़ा सा statement based. तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, उम्मीद है इक्विलिब्रियम आप अच्छे से करके आइएगा, और अगले क्लास में जब अपन मिलेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। आज शाम की क्लास मोस्ट ऑफ नहीं हो पाएगी, ठीक है, स्टिल आपको मैसेज आ जाएगा, बट शाम की क्लास शायद नहीं हो पाए, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अपना खत्म हो चुका है, अगले क्लास में अपन आयनिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? यस सर, प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, शाम को थोड़ा क्वेश्चन बुक बुक से सॉल्व किया करो, जो भी आपके पास है, मॉड्यूल है, बुक है, एमटीजी से करते हो या एमएस, मतलब कोई भी इससे नरेंद्र अवस्थी वगैरह से, या पीवाईक्यू करते हो, प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा एग्जाम मिलेगा कि आता तो है, पढ़े तो है, किए तो है, लेकिन हो नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। बोलता है कि द गैस फेज रिएक्शन 2NO2 गिव्स N2O4, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 कैन बी इंक्रीज्ड। N2O4 का डिकम्पोजिशन मतलब आपको रिएक्शन भेजना है बैकवर्ड, बैकवर्ड कब पॉसिबल है, ठीक है? तो अगर ये एक्सोथर्मिक था और इसको अगर हम बैकवर्ड भेजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए, बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर मुझे बैकवर्ड भेजना तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यस, चलेगा क्या? यस सर।
डन है। चलिए ठीक है, सर ठीक है। तो आज के सब एक्सोथर्मिक में अपन तो हीट रिलीज होती है ना, फिर से बोलो। सर एक्सोथर्मिक में तो हीट चलो रिलीज होगी ना। चलो ठीक है, आते हैं। नहीं याद है मुझे, मुझे नहीं याद है कि भैया पूरा क्या था, वो पूरा टेबल क्या था, लिख लेते हैं अपन। ठीक है चलो, तो बिल्कुल नहीं याद है, अपन लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल जनरल लॉजिक, डेली लाइफ वाली लॉजिक लगाएंगे। डन है बेटा ये। अब तुम मुझे यस बताओ कि मैं चाहता हूं कि रिएक्शन बैकवर्ड जाए, कब बैकवर्ड जाएगा, जब इस चीज को मैं ऐड करूंगा, यस सर, इस चीज को ऐड करूंगा, मतलब इस चीज को अगर ऐड, ओ इस चीज को ऐड करने के लिए इसका मतलब है कि अगर हम हीट यस देंगे तब सर, ये अपने से बोला क्या था, सॉरी बोलता था बैकवर्ड N2O4 का डिसोस, N2O4 को बैकवर्ड भेजना है, ठीक है। तो आप हीट दोगे तो बैकवर्ड जाएगा, इसका मतलब लोअर नहीं, इसका मतलब हो जाएगा कि यस सर, आपको टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ाना पड़ेगा। करना तो ये तो नहीं होगा, सर ये भी नहीं आप। होगा, ये हो जाएगा ना। देखो कहता कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। किधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, बैकवर्ड साइड में बात खत्म, ठीक यस सर, है। चलो सॉरी माय बैड, ठीक है, आंसर बोला किसी ने, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, चलेगा क्या ये। यस चलो ठीक है, तो अभी की सभा समाप्त करते हैं। शाम को मोस्ट प्रोबेबली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्लास नहीं होगी, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो आइने की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय ओके बाय। सर, बाय बाय। ओके ओके सर। बाय।